पूर्व सैनिक वेलफेयर एक्शन कमेटी की बैठक हमीरपुर में संस्था के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजलाल धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व सैनिक वेलफेयर एक्शन कमेटी की बैठक हमीरपुर में बुधवार को संस्था के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजलाल धीमान की अध्यक्षता में हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने पूर्व सैनिकों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निदेशक ने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। बैठक में पूर्व सैनिकों की जमीन में राजस्व विभाग की ओर से की गई धांधलियों पर चर्चा की गई। इसे लेकर पूर्व सैनिकों में काफी रोष है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से उन्हें जमीन का बंदोबस्त गलत किया है, इसके चलते उनकी जमीन कम हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या हल नहीं हो पाई है। पूर्व सैनिकों ने अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस समस्या के समाधान की मांग उठाई है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में धारा 35A और 370 हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन में हो रही खामियों को दूर करने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आह्वान किया। पूर्व सैनिक जल्द ही समस्याओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेंगे। बैठक में कैप्टन भूमि देव, बाबूराम, लेफ्टिनेंट भगवान दास, सूबेदार बलवीर सिंह, सूबेदार राजकुमार, धनीराम कश्मीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उनके हम विचार करते हैं कि क्या हमारी समस्या है, क्योंकि आज तक हमारे सैनिकों को एक सेकंड दर्जे का सीनियर सिटीजन बना दिया है। और ये बातें जो है, हम कोई भीखरी मांगते, हम अपने हक मांग रहे हैं। अभी हमारे हक जो है, एक हक सिक्स लैक वन पेंशन नहीं है हमारा, उसमें भी बहुत जो गैप है। एक मेजर की पेंशन 11,600 रुपये कम है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल से जो एक रैंक ऊपर है। कोई ऐसा भी व्यवहार नहीं है जहाँ इतना बेसिक पे में बेसिक पेंशन फर्क हो। एक सफाई, एक हवलदार, एक हमारा नायब सूबेदार, उनकी पेंशनों में इतना फर्क है कि उनका ये नायब सूबेदार अगर वो अपना आदमी कैप्टन बनता है तो उसका 10,000 फर्क है। अरे क्यों ऐसी बातें, हमारी जो वह है, हमारी जो वीरदारियाँ हैं, उनको पेंशन उनका हस्बैंड बनता है तो उसको 100 रुपये मिलती थी, उसको 30 रुपये क्यों उसके खर्चे बढ़ते हैं या घटते हैं। हम उनकी लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई की कर रहे हैं। जैसे क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो शहरों में खुले हुए हैं, हमारे गाँव में अभी खुले हैं, जहाँ हमारे बच्चे गाँव के लोकल हैं, जो घर बच्चे रहते हैं, जो गाँव से दो महीने घर भी रख सकते हैं, घर में छोड़नी पड़ती है। तो तीन जो है चूल्हे चलते हैं, एक तो अपने घर में है, एक उनकी घरवाली किसी शहर में रहती है, किसी हमीरपुर है, वे अपने स्कूल जो है सैनिक स्कूल या जो स्कूल है वो यहाँ पर है। तो एक जरा जो जहाँ फौज में है वहाँ, तो बहुत सी 36 कमियाँ हैं हमारी पेंशन, हमारे हकों में, हमारे स्टेटस में, जो सरकार को हमारे तीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने दी थी, अपने प्रधानमंत्री को, अपने फर्स्ट मिनिस्टर को, और उन्होंने एक विषय बनाया था। एक जडी साहब जज थे, वो 22 स्टेटों में गए, उन्हें सारे फीडबैक लिए, उसका आज तक 1.5 साल की प्रतिशत है वो वहीं पड़ा हुआ। हमारी जो एक रैंक एक पेंशन प्रभावित होगी 5 साल के बाद, वो 8 तक नहीं हुई। ऐसी कई समस्या है, हमारी बच्चियों की समस्या है, हमारी अपनी समस्या है, हमारे सेहत की समस्या है, हमारी सीएचटी कटीर की समस्या है, हमारी जो ई सी एच की समस्या है। तो ये समस्या मैंने राजनाथ सिंह को अपने माधुरी जो मुझसे लिखी है कि हमारी मौका चाहिए और हम अपनी समस्या आपको बताएं। जो आपके बस में हो वो आप का कुछ हल करें। हम नहीं चाहते कि हम 4 तारीख बढ़ रहे हैं, हम अपने हक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल, जय जवान, जय किसान।